गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती, आज आप लोगों को लक्ष्य पॉलिटेक्निक, जो पहले स्पार्क के नाम से था, उसके ऑपरेटिंग मोड्स यानी कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे डाउनलोड, शुरू से डाउनलोड कैसे करते हैं प्ले स्टोर से, और उसमें हम वीडियोज़ कैसे सर्च करेंगे, हम अपने कोर्स कैसे सर्च करेंगे, वीडियोज़ कैसे सर्च करेंगे, कोर्स कैसे देखेंगे, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, इन सारी बातों को आज के वीडियो में देखेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्ले स्टोर खुला हुआ है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर खोलेंगे तो आप सर्च बटन में जाएंगे। जैसे ही आप सर्च बटन में जाएंगे तो सर्च बटन में आप टाइप करेंगे लक्ष्य पॉलिटेक्निक, LAKSHYAPOLYTECHNIC, लक्ष्य पॉलिटेक्निक। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास सबसे ऊपर में दो एल साइन आएगा, जो कि गुलाबी कलर से है, पिंक कलर से है। हमें इसे ही डाउनलोड करना है, इसे ही हमें डाउनलोड करना है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल बटन को टच करने पर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा बहुत परफेक्टली। ठीक है, तो पहले आप इसको इंस्टॉल कीजिए, मैं भी इंस्टॉल करता हूँ। देखिए, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। आप जैसे इंस्टॉल खत्म होगा तो आपका यहाँ ओपन का साइन आएगा, ओपन कीजिएगा। ओपन करने पे आपको कुछ इंटरफेस इसी तरीके से खुलेगा और आपके सामने इस लक्ष्य पॉलिटेक्निक का पूरा एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है और नीचे में पासवर्ड मांग रहा है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर तो अपना है बट पासवर्ड नहीं है, आप ये सोचेंगे पासवर्ड तो मैं जानता ही नहीं हूँ, पासवर्ड है नहीं तो पासवर्ड नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे काम करूँगा। तो ऐसे स्थिति में, क्योंकि हम लोगों ने इस लक्ष्य पॉलिटेक्निक को पहली बार डाउनलोड किया है, तो हम लोग न्यू यूजर में जाएंगे। न्यू यूजर को टच करने पर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो न्यू यूजर में जाएंगे और हर एक चीजों को फिल करेंगे। नेम अपना फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, कॉलेज और पासवर्ड। यस, पासवर्ड यहां पर आप अपने से बनाएंगे जो आपको याद रहता हो, कुछ भी हो सकता है पासवर्ड। ठीक है, जो आपको मन करे वो पासवर्ड यहां बना लीजिए। पासवर्ड जो हो जाएगा वही आपका मेन, यहाँ पासवर्ड याद रखना होगा, पासवर्ड भूलिएगा नहीं। और जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा, आप रजिस्टर हो जाइएगा। तो मैं एक एक करके सभी चीज़ फिल करता हूँ, आप अपने से फिल कीजिए, मैं भी फिल करता हूँ। तो आप रजिस्टर कर लिए, रजिस्टर जैसे ही बटन दबाए होंगे तो आपके पास कुछ फिर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और ऐसे पेज ओपन, जिस पेज में आप देख रहे होंगे कि फिर से मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो आपको भी अभी आपने पासवर्ड बनाया था थोड़ी देर पहले, वो मोबाइल नंबर आप अपना और पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए, लॉगिन कीजिएगा तो आपका लक्ष्य पॉलिटेक्निक का इंटरफेस खुल जाएगा। तो अभी क्या करें, आपने जो मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर है वो डालिए और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। मैं भी लॉगिन करता हूँ, आप भी लॉगिन कीजिए। तो आप जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ढेर सारे फोल्डर्स बने हुए हैं ऊपर में, जो जो सेमेस्टर चलते हैं उसके ट्रेंडिंग फोटोज़ कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहला है माई कोर्सेस। यदि आपने कोई कोर्स परचेज किया है तो माई कोर्सेस में होगा, अगर नहीं किया है तो माई कोर्सेस ब्लैंक होगा, खाली होगा। ऑल कोर्सेस, मैं लक्ष्य पॉलिटेक्निक में जितने भी कोर्स बनाऊँगा, जितने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने ब्रांच के जो भी, सभी मैं ऑल कोर्सेस में डालूंगा। फ्री वीडियोस, मतलब हर कोर्स के 3-4 वीडियोस फ्री होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो वो आप फ्री वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। लाइव क्लासेस से लाइव कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में अगर आपको टीचर्स लाइव ले रहे हैं तो आप लाइव क्लासेस में जाके चेक कर सकते हैं कि लाइव में क्या हो रहा है। टेस्ट के लिए बनाया गया है, और ई बुक आपके नोट्स के लिए बनाया गया, मैंने कुछ स्पेशल नोट्स अगर हमें डालना है तो ऐसे वीडियोस जहां मिलेगी वहीं पर नोट्स उसके बगल में मिलेगा, वो मैं आपको आगे चल के अभी तुरंत दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि कहां पर कोर्स होता है और कहां पर पीडीएफ हमें देखने को मिलता है। चलिए हम लोग सबसे पहले ऑल कोर्सेस में जाते हैं। जैसे मैं ऑल कोर्सेस में गया, आपके पास ढेर सारे कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, तो आपके पास दिख रहा होगा फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से आपके पास सभी सेमेस्टर के कोर्सेस आपके पास यहाँ दिखने लगेंगे। आपके मोबाइल के जैसा ही इंटरफेस बना हुआ है ऐसे ही दिखेगा और ऐसे ही चलेगा।
अगर मान लिया मैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी का स्टूडेंट हूँ मान लिया, तो मैं प्लेलिस्ट को टच करूंगा, और बाय नाउ का मतलब होता है खरीद लेना, यहाँ से आप खरीद सकते हैं डायरेक्टली, मैं संतुष्ट हो गया बिना देखे ही, तो चलो भाई यहाँ से खरीद लूँ। लेकिन अगर मेरे को जानना है कि वीडियो अंदर में कहाँ है, तो प्लेलिस्ट को टच करेंगे। जैसे मैं प्लेलिस्ट को टच करूँगा, हमारे पास अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पर टैग लाइन्स के रूप में, टैग के रूप में फोल्डर्स बने हुए हैं। अप्लाइड फिजिक्स टू, मैथ्स टू, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू IIT सिस्टम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर है लाइव क्लासेस जितनी चलती हैं उसके, लाइव क्लासेस की वीडियोस भी यहीं अटैच की जाएंगी। ये रिकॉर्डेड वीडियोस है और ये लाइव क्लासेस की वीडियोस है, दोनों वीडियोस अलग अलग हैं, लाइव क्लासेस की वीडियोस अलग है, रिकॉर्डेड वीडियोस अलग है। तो चलिए, तो फिलहाल अगर मैं अप्लाइड फिजिक्स 2 की बात करता हूँ, तो अप्लाइड फिजिक्स 2 को अगर मैं टच करूँगा, तो हमारे पास यूनिट वाइज करके वीडियोज आ जाएंगी। अगर मैं यूनिट 1 को टच करता हूँ, तो यूनिट 1 में हमारे टीचर के द्वारा बनाया गया सारा वीडियोस लाइन से आपके सामने नजर आने लगेगा, एक लाइन से सभी लेक्चर्स कंटिन्यूअसली दिखाई देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने पूरा वीडियो देख लिया, पूरे वीडियो की संख्या यहाँ पर आपके सामने 20 है, आप 20 वीडियो जैसे ही कंप्लीट करते हैं, हम PDF सेक्शन पे जाएंगे, तो आपको कंप्लीट नोट्स लिखा हुआ है, यूनिट 1 का कंप्लीट नोट्स, यहाँ से आप कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है, अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो डाउनलोड होने लगेगा, क्योंकि मैंने बाय नहीं किया है, इसलिए हमें डाउनलोड का अलाउ नहीं कर रहा है, बोल रहा है आपने खरीदा नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड कर लेंगे, तो इसलिए बाय नाउ में चला गया, तो मैं बाय नहीं करना चाहता हूँ अभी, ठीक है, तो मैं बैक हो जाना चाहता हूँ। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे, अब एक मैं वीडियो चला के आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो चलाने में क्या परेशानी आएगी और उसमें हमें किस बात को ध्यान रखना है। मान लिया यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 3 को मैं चलाना चाहता हूँ, तो ये आपकी वीडियोस, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया है, तो मैं एक फ्री वीडियोज को चला के दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो अब मैं एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे ही वीडियोज को मैंने टच करा, दो प्लेयर आएंगे, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, तो प्लेयर 2 का ज्यादातर यूज करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यूनिट 1 को मैंने चलाया, प्लेयर 2 को अगर आप देखते हैं तो आपके सामने आ जाएगा और ये वीडियोज यहाँ चलने लगेगी बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए आपके सामने एक सर का वीडियोज आ गया, चलने लगा, अब ये चल रहा है, कंटिन्यूसली चलेगा जितनी देर का होगा। तो साउंड यहाँ नहीं डाला हूँ मैं, क्योंकि मेरा साउंड आपको जाना है, इसलिए साउंड यहाँ से आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यदि एक बार वीडियो डाउनलोड हो जाएगा तो ये बिना नेट के भी आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करके, डाउनलोड ऑप्शन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास नेट फ्री में है, वाईफाई लगा है, या फिर मैं कहीं पर हूँ जहाँ पर नेट की कोई कमी नहीं है, तो आप ऑनलाइन आराम से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखने की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स कुछ होते हैं, इस सेटिंग्स के बारे में थोड़ा जान लें। देखिए इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, उसको समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे ही वीडियो में टच कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर क्वालिटी आएगा 360p 720p, मतलब अगर आपके पास नेट बहुत अच्छा है तो 720 में देखिए, जिससे क्वालिटी बहुत ही क्लियरिटी नजर आएगी। थोड़ा नेट स्लो है तो 360p पे आप देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि क्वालिटी की बात, ठीक है, मैं हो गया क्वालिटी। अब आते हैं इसी में, मैं चाहता हूँ कि कोई कोई टीचर बहुत स्लो बोल रहे हैं, जो आपको लगता है कि नहीं हमें फास्ट बोलना चाहिए, तो आप इनके स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल स्पीड 0.5, नॉर्मल स्पीड जो बोल रहे हैं 1.25 उससे तेज होगा, 1.5 उससे तेज होगा, 2.0 उससे भी फास्ट हैं, जो जिस तरीके से बोलते हैं सर लोग, पता होगा आपको, बहुत बच्चे ऐसे भी देखते हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हटाइए। अब आया यहाँ से डाउनलोड का साइन, तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ, आपको डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड ऑप्शन में जाऊँगा, मैं चाहता हूँ 360p से डाउनलोड हो, तो यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोडिंग होगा, 116 MB शो कर रहा है, धीरे धीरे मेरी वीडियोस डाउनलोड हो रही है, ऐसे ही आपका डाउनलोडिंग होने लगेगा। अगर मैं डाउनलोड पूरा होने के बाद अगर मैं अपने नेट को बंद कर देता हूँ, तो पर भी वीडियोज हमारी चलेगी और कंटिन्यूसली हम देख पाएंगे अपनी वीडियोज़ को। ठीक, तो एक बार वीडियोस मेरी लगभग डाउनलोड हो गई, अब मैं यहाँ से भी प्ले करूँगा तो मेरी वीडियोस आराम से प्ले हो जाएगी। ठीक है, बिना इंटरनेट के प्ले हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर सेटिंग्स, पूरे वीडियो की सेटिंग्स आपने देख रखा। अगर आप तुरंत बढ़ाना चाहते हैं, ये इसके प्ले बटन होते हैं, कहीं भी आगे जाके हाथ से सरका सकते हैं, जो कि आपको
जितना दूर तक ले जाना है, जहां देखना है वहां तक आप ले जा करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप आराम से सरका करके वीडियोस को देख सकते हैं, जहां तक देखने का मन है। इस तरीके से आपके पास पूरा वीडियो का आपके पास सेटिंग हुआ। तो आपने देखा पूरा इंटरफेस फिर से आ गया। आप भी पूरा हम लोगों के लक्ष्य पॉलिटेक्निक, जो स्पार्क के नाम से था, अब लक्ष्य पॉलिटेक्निक हो गया। तो इस लक्ष्य पॉलिटेक्निक के पूरे एप्लीकेशन सेटिंग को आपने देखा, बहुत अच्छे से आपने समझा भी। किसी तरह की क्वेरीज होती है तो आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया है, उस इंक्वायरी नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं लाइव क्लासेस के लिए, टेस्ट के लिए और ई बुक्स के लिए एक अलग दो दो मिनट की वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं लाइव क्लासेस कैसे देखते हैं या उसको कैसे हम लोग सर कब देखेंगे, कैसे पता चलेगा, दूसरा टेस्ट कैसे इसमें कंडक्ट होता है, हम आप कैसे देंगे टेस्ट, और ई बुक्स मतलब नोट्स, अगर कुछ और चीज़ का नोट्स हमें चाहिए तो यहाँ कैसे मिलेगा, इन तीनों की वीडियोस में अलग से बना के दूंगा। तीन सेपरेट दो दो तीन तीन मिनट की वीडियोस होंगी जो आपको सेपरेटली मिलेंगी। तो उम्मीद है लक्ष्य पॉलिटेक्निक का पूरा एक इंटरफेस आपके सामने रखा गया। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा। कहीं किसी तरह की क्वेरीज होती है हमसे कंसल्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच।